फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके कुलदीप के। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम गूगल ड्राइव में कोई भी फाइल या पीडीएफ फाइल हो या फोटो, उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर हमसे कोई फाइल, फोटो या पीडीएफ गलती से डिलीट हो गई हो तो उसे हम वापस से रिकवर कैसे करें, तो इसी वीडियो में यही हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल ड्राइव में जाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको दो फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, एक पीडीएफ का फोल्डर है, एक फोटोज का फोल्डर है। अगर मैं इसे फोटोज पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं फोटो फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाई देगा। अगर मुझे ये फोटो को डिलीट करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर स्क्रोल डाउन करूंगा, यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके इसे मैं मूव टू बिन कर दूंगा। तो ये हमारे गूगल ड्राइव से अब डिलीट हो चुका है। बट अगर आपको ये वापस से रिकवर करना है ये फोटो, तो हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर बैक आना है। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन अलग होगा तो आपको यहाँ पे बिन के जगह ट्रैश दिखाई देगा, सेमी फंक्शन है, तो यहाँ पर बिन दिखाई दे रहा है, तो मैं बिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने जो फोटो डिलीट किया था तो यहाँ पर वो बिन में सेव हो चुका है। तो हमें सिंपली इसे वापस से रिकवर करना है, तो सिंपली यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नीचे रिस्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। तो ये फोटो आपका रिस्टोर हो चुका है। वापस से हम इसे बैक आ जाएंगे। मैं वापस जाकर फोटो फोल्डर में जाकर देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डिलीट किया हुआ फोटो वापस से रिकवर हो चुका है। तो इस तरह हम इस फोटो को डिलीट और रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।